सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले एलविश यादव और मनीषा रानी के बीच में इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो और अनफॉलो करने को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसके बाद एलविश यादव और मनीषा रानी दोनों ने अपनी साइड से अपने अपने ओपिनियन रखे थे, बट ये जो भी कॉन्ट्रोवर्सी दोनों के बीच में हुई थी, क्या ये फेक और स्क्रिप्टेड थी सारी? तो गाइस, मनीषा रानी से कल के इंटरव्यू में यही सवाल किया गया कि आपके और एलविश यादव के बीच में जो भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी वो रियल थी या फेक थी। एंड उसके बाद मनीषा रानी ने उस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में रिप्लाई करते हुए क्या कहा, आप लोग खुद देखिए। आपने जो कॉन्ट्रोवर्सी किया एलविश के साथ में, वो सब फेक है, सॉन्ग के लिए किया है, पब्लिक इंगेजमेंट के लिए किया, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? फेक है क्या? आप हंस रहे, कुछ बात है? मुझे लग रहा है मनीषा रानी को लाइक का जरूरत नहीं है, हम जो कर देते हैं वो ऐसे ही वायरल है। और कुछ हम आज तक कभी भी व्यूज लाइक के लिए कुछ नहीं किए, वो व्यूज लाइक के लिए कौन क्या करता है ये सबको पता है, इसलिए हमको बोलने का जरूरत है। और आई थिंक जो हमारी फैंस है, जो ऑडियंस है, वो बहुत पैटर्न है, जरूर है, लेकिन हाँ वो तो है। मुझे लगता है हम लोग कंट्रोवर्सी करके लोग आई थिंक जो फेमस होते हैं वो कुछ दिन तक ही टिक पाते हैं। हाँ। जो एक्चुअली में मेहनत करते हैं या फैन बेस बनाते हैं वो ज्यादा दिन चलते हैं, तो जो करते हैं वो उनका तरीका। तो गाइस, यहाँ पर मनीषा रानी ने अपनी तरफ से साफ क्लियर करते हुए ये कहा है, जो भी कंट्रोवर्सी थी ये कोई फेक और स्क्रिप्टेड नहीं थी, और जो बाकी लोग कंट्रोवर्सी करते हैं वो सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए करते हैं। मतलब कि गाइस, मनीषा रानी इनडायरेक्ट वे में एलविश यादव को ये कह रही है कि एलविश ने जो भी मेरे साथ कंट्रोवर्सी की है वो सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए की है, जबकि ये कंट्रोवर्सी मनीषा रानी ने खुद स्टार्ट की थी एलविश यादव को अनफॉलो करके। तो बाकी गाइस, यहाँ पर आप लोग मनीषा रानी और एलविश यादव के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने नीचे कॉमेंट कर जरूर बताना। एंड गाइस, अभी के लिए बस इतना अपडेट था, जल्दी नेक्स्ट अपडेट, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।